कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने कठपुतली यह पाठ पढ़ा है। आज इस पाठ के अंतर्गत और अंत में दिए गए स्वाध्याय को पूरा करते हैं। कठपुतली इस पाठ की शुरुआत में विशेषता हमारी इस शीर्षक के अंतर्गत हमें चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो, इस तरह का स्वाध्याय दिया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं। सभी चित्रों को ध्यान से देखना। हर चित्र के लिए विशेषण युक्त शब्द तुम मुझे बताना और इन शब्दों का हम वाक्यों में उपयोग करेंगे। देखिए तो किसका चित्र है? मछली का। इस मछली का रंग काला है, इसलिए काली मछली। मछली की विशेषता क्या है? काली मछली। तो आइए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। मेरे घर के फिश टैंक में काली मछली है। बिल्कुल सही कहा। ये किस फूल का चित्र है? गुलाब का चित्र है। इस गुलाब का रंग कौन सा है? लाल रंग है। तो इसकी विशेषता क्या हुई? लाल गुलाब। तो आइए इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। मेरी सहेली ने मुझे लाल गुलाब दिया। इस चित्र को पहचानो। पहचान पा रहे हो या नहीं? एक बर्तन है, बर्तन में कुछ पका हुआ है, उसमें नमक डाला जा रहा है। तो इस तरह इस बर्तन में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाया गया है। तो व्यंजन के लिए विशेषता क्या है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट व्यंजन। तो आइए इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। मेरी दीदी बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। ये क्या है? दूध की थैली। दूध की थैली में कितना दूध है? 1 लीटर। 1 लीटर दूध। तो इसका भी हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। यह 1 लीटर दूध की थैली है। देखो तो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पहला, दूसरा और तीसरा नंबर आने वाले छात्र है। लगता है शायद ये किसी प्रतियोगिता में जीत गए हैं। तो इनके विशेषता क्या है? ये विजेता छात्र है। अब इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। भागने की दौड़ के ये तीन विजेता छात्र है। ये क्या है? पेन। कितने सारे पेन है? गिन लो सब। गिन लिए? तो कितने पेन है? 10 पेन है। इसका भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। मैंने आज 10 पेन खरीदे हैं। ये क्या है? ये किताब है। किताब बिल्कुल कैसी दिख रही है? नई नई है। तो इसकी विशेषता क्या है? नई किताब। आओ इसका भी वाक्य में प्रयोग करते हैं। मैं नई किताब पढ़ रहा हूँ। ये क्या है? ये दूर पहाड़ी पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ कैसा है? पेड़ बिल्कुल हरा भरा है। हरा भरा पेड़।
पेड़ की विशेषता कैसी क्या है? हरा भरा पेड़। आइए इसका भी वाक्य में प्रयोग करते हैं। वो देखो, पहाड़ पर हरा भरा पेड़ है। जरा सोचो, लिखो, यदि तुम्हें अल्लादीन का चिराग मिल जाए तो। हाँ बच्चों, अल्लादीन का चिराग मिल जाने पर हर इच्छाएं पूरी होती है, तो आप कौन सी इच्छाएं पूरी करोगे? अगर मुझे अल्लादीन का चिराग मिल जाए तो मैं उससे अपनी तीन इच्छाएं पूरी करने के लिए कहूंगा। मेरी पहली इच्छा होगी कि सभी बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिले। मेरी दूसरी इच्छा होगी कि दुनिया भर के सभी लोग रोग मुक्त और स्वस्थ रहे। मेरी तीसरी इच्छा होगी कि पूरी दुनिया में भाईचारे की भावना निर्मित हो। यदि मेरे पास अल्लादीन का चिराग होता तो सबसे पहले मैं अपनी सारी कामनाएं पूरी करती। मैं इस तरह से दूसरों की सहायता भी करती। मैं गरीबी और सभी बीमारियां खत्म करने की इच्छा मांगती। मैं सभी तरफ खुशियां और शांति फैला देती। मैं आतंकवादियों को सजा दिलवाती और आतंकवाद समाप्त कर देती। गांव की सड़कें बनवाती, विद्यालय बनवाती और गांवों को भी शहरों के समान बनवा देती। मैं हर जगह हरियाली और शांति हो ऐसी कामना मांगती। भटके हुए जानवरों के लिए एक बड़ा सा घर बनवाती और उनका खुद का ध्यान रखती। एक सस्ता अस्पताल और दवाई की दुकान भी बनवाती ताकि जरूरतमंद लोग उसका लाभ ले सके। यदि संभव होता तो मैं सभी के लिए निरोगी काया मांगती। मैं विश्व शांति की कामना करती। यदि मेरे पास अल्लादीन का चिराग होता तो मैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उसकी मदद से गलत कामों को नष्ट करती। काश मेरे पास अल्लादीन का चिराग होता तो। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री से कठपुतली बनाओ और किसी कार्यक्रम में उसका मंचन करो, यह उपक्रम हमें दिया है। देखो, ये है काष्ठ की कठपुतलियां। काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी की कठपुतलियां। ये है चमड़े पर चित्रकारी की हुई कठपुतलियां। इनके जोड़ों में धागे से जोड़ा जाता है और इनके हाथ पैर हिलते हुए दिखाई देते हैं। रेवा, ये कौन सी कठपुतलियां है? ये सॉफ्ट टॉयज कठपुतलियां हैं। और भी मैं आपको कुछ सॉफ्ट टॉयज कठपुतलियां दिखाऊंगी। देखिए, ये उंगलियों से नचाने वाली सॉफ्ट टॉयज कठपुतलियां हैं। तो इस तरह की कठपुतलियां भी हम बना सकते हैं। देखिए तो, ये है कपड़े से बनी हुई कठपुतली। इस तरह की कठपुतली भी आप बना सकते हो। इसे हाथों में पहनकर इनका खेल करते हैं, खेल दिखाते हैं। और भी एक अलग कठपुतली मैं आपको दिखाऊंगी। आइए देखते हैं। ये है तुम्हारे मोजे से सॉक्स से बनी हुई कठपुतली। तो ये तो बिल्कुल आसान है बनाना। तो चलिए, पहले आज हम सॉक्स के द्वारा कठपुतली किस तरह बनाई जाती है यह देखते हैं और उसकी विधि जान लेते हैं, त्रुटि जान लेते हैं, उसके लिए क्या-क्या सामान चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं मोजे से सॉक्स से बनी कठपुतली। देखो, ये मोजे से बनी हुई कठपुतली, ध्यान से देखना किस तरह बनाई है। आगे चलकर हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं
मोजे की कठपुतली कैसे बनाई जाती है? मोजे की कठपुतली बनाना एक मनोरंजक कला है। इसकी विशेषता इस बात में है कि आप प्रत्येक कठपुतली को अपने ढंग की एक खास चरित्र वाली विशेष रूप की बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वह मनुष्य रूप में ही हो। मानवीय आकार के अतिरिक्त अन्य पशु व अजनबी रूपों में भी कठपुतली बनाना संभव है। सबसे पहले एक जूते का बक्सा लेकर उस पर अपना नाम लिखे, इसमें अपनी विशेष सामग्री जमा करें। कठपुतली बनाने के लिए कम से कम आपकी पसंद का एक साफ मोजा, एक बड़ी सुई और मजबूत ठोस धागा आपके पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी कठपुतली को अनुपम एवं आकर्षक बनाने के लिए सजाने और सवारने के लिए शीशे, आभूषण, केश बनाने के लिए खास धागा इत्यादि भी रख सकते हैं। अलंकार के लिए विभिन्न बटन, मोती, ऊन, पाइप क्लीनर, फेल्ट मटेरियल, कैंची, ग्लू गन आदि साहित्य आपके पास होना चाहिए। आइए अब अगले स्वाध्याय की ओर चलते हैं। मैंने समझा, इस शीर्षक के अंतर्गत हमें कठपुतली यह पाठ पढ़कर कौन सा संदेश मिलता है, कौन सी बात हमने समझी है, इस बात को लिखना है। तो आइए इस पाठ के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है एक बार फिर उसे दोहराते हैं। हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काटना, किसी के काम की शुरुआत में किसी ने छींक देना, शकुन अपशकुन आदि। कठपुतली इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। यह बात इस पाठ के द्वारा मैंने भी समझी है, आपने समझी कि नहीं? शब्द वाटिका, महोत्सव, बड़ा उत्सव, विविध, अनेक प्रकार, अपूर्णता, अधूरापन, आजमाना, उपयोग, प्रयोग करके देखना, खूबी, विशेषता, कुप्रथा, बुरी परंपरा, विलंब, देरी, असर, परिणाम, मुहावरे, ठिठक कर खड़ा होना, सहम कर खड़ा होना, वाक्य, अचानक सामने सांप को देखकर राम जी ठिठक कर खड़े हो गए, पंटाधार करना, पूरी तरह बर्बाद करना, वाक्य, बंदर की उछल कूद से हमारे कार्यक्रम का बंटाधार हो गया। भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। देखो तो हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, शकुन, डर, स्वागत, पूर, प्रथा, व्यावहारिक, और उनमें जुड़ने के लिए अप, नी, सु, अ, कु, भर, यह उपसर्ग दिए हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले जोड़े जाते हैं। तो देखो, शकुन के आगे अप शकुन यह शब्द बन गया। डर के आगे नी, नी डर यह शब्द बन गया। स्वागत के आगे सु लगने से सुस्वागत यह शब्द बन गया है। अ, अभी अ व्यावहारिक, अव्यावहारिक यह शब्द बन गया। कुप्रथा यह कु उपसर्ग लगने से बन गया। भर, पूर, तो यह जो शब्द है, इन शब्दों को अब हम लिखते हैं। आइए शब्दों को उपसर्ग लगाकर लिखते हैं। डर, निडर, स्वागत, सुस्वागत, शकुन, अपशकुन, पूर, भरपूर, प्रथा, कुप्रथा, व्यावहारिक,
अव्यावहारिक। तो इस तरह के शब्द आप भी अपनी कॉपी में जरूर लिखना। आइए अब अगला स्वाध्याय देखते हैं, खोजबीन। इस शीर्षक के अंतर्गत अंधश्रद्धा के कारण और उसे दूर करने के उपाय ढूंढो और किसी एक प्रसंग को प्रस्तुत करो, यह बात हमें बताई गई है। तो तुम्हारे अगल-बगल में समाज में जो कोई भी अंधश्रद्धा आपको दिखाई दे, तो उसके पीछे क्या कारण है जरूर देखना और उसे दूर करने के लिए कौन से उपाय हो सकते हैं वह ढूंढना। अब हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। अंधश्रद्धा अर्थात किसी की भी सुनी सुनाई बात पर आंखें मूंदकर बिना उसका तर्क समझे यकीन करना। पुराने समय में अंधश्रद्धा काफी हद तक समाज में फैली हुई थी। इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव था। जैसे जैसे समाज शिक्षित होता गया, वैसे वैसे विज्ञान की प्रगति के साथ अंधश्रद्धा का स्तर घटता गया। हालांकि आज भी हमारे समाज में अंधश्रद्धा की गिनी चुनी कुछ वारदातें सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन विज्ञान के प्रचार प्रसार के जरिए हम इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो इसका एक प्रसंग भी हम देखते हैं। आपने भी बहुत बार देखा होगा, अगर रात में कुत्ते रोते हैं तो घर के बूढ़े बड़े कहते हैं कि जरूर कुछ बुरा घटने वाला है। तो सच में कुत्ता रोने से बुरा घटता है या उसका और भी कुछ कारण है, देखते हैं आगे। एक रात हमारे मोहल्ले का कुत्ता बहुत रो रहा था। रात में सभी डर रहे थे कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए कुत्ता रो रहा है। मुझे लगा कि जरूर कोई और कारण होगा। सुबह होते ही मैं उस कुत्ते के पास गया। वह एक टूटे पुराने घर के पास पड़ा था। वहां जाकर देखा तो पता चला कि कुत्ते के पैर से बहुत सारा खून निकला हुआ है। उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा घुस गया था। अपने पापा और अन्य पड़ोसियों की मदद से मैं उस कुत्ते को डॉक्टर के पास ले गया। फिर कुछ दिनों के बाद वह ठीक हो गया। सच्चाई जानने पर लोगों को अपनी मूर्खता पर अफसोस हुआ कि अंधश्रद्धा अंधविश्वास के चलते कुत्ते को रात भर तकलीफ में रहना पड़ा। तो इसी तरह और भी घटनाएं आपके आसपास होती होगी, तो जरूर उस घटना के पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण है यह ढूंढ लेना और उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए उचित उपाय करना। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए? रुको तो, मैंने आपके लिए चुटकुले पहेलियां लाई हैं, उसे सुनो और किसी कार्यक्रम में भी सुनाओ। देखो तो, दुनिया भर की करता सैर, धरती पे ना रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता, रात अंधेरी मेरी बगैर, जल्दी बताओ कौन? सोचो तो कौन है जो दुनिया भर की सैर भी करता है, अपनी धरती पर आता भी नहीं है, दिन में सोता है और रात में जागता है, ऐसा कौन है? कौन बता रहा है? कौन मोटू, तू बता रहा है? बताओ तो। उत्तर, चंद्रमा। बिल्कुल सही बताया। चलो अभी आगे की पहेली देखते हैं। बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी पहेली है। इसका उत्तर कौन बताएगा मुझे? निशा, तुम बता रही हो? बताओ, इसका उत्तर है ताला। हमारे घर की रक्षा करने वाला ताला। आइए, आपके लिए मजेदार चुटकुले भी लाई हूं मैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। एक बार एक मच्छर दूसरे मच्छर से कहता है, यार
ऐसा क्या खा रहा है कि तेरी दिन ब दिन मसल्स बनती जा रही है? पहला मच्छर कहता है, कुछ नहीं यार, एक सामने वाले घर में एक आदमी आया है जो रोज जिम जाता है और प्रोटीन शेक्स पीता है। उसको जिम जाते जाते 2 साल हो गए, उसकी तो बॉडी नहीं बनी, पर उसका खून चूसते चूसते मेरी बॉडी जरूर बन गई है। अब दूसरा चुटकुला पढ़ते हैं। पिताजी कहते हैं, बेटा ये लो 2,000 रुपये। पुत्र कहता है, लेकिन पापा ये किस लिए? पिता कहते हैं, बेटा ये तेरी मेहनत की कमाई है, क्योंकि जब से तूने व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को सिक्योरिटी गार्ड को नहीं रखना पड़ रहा है। बताओ तो सही, इस शीर्षक के अंतर्गत किसी एक संस्मरणीय घटना का वर्णन करो, यह स्वाध्याय दिया गया है। संस्मरणीय घटना यानी ऐसी घटना जिसे हम कभी भी भूल नहीं पाते। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई सारी संस्मरणीय घटनाएं होती है, तो आइए मैं आपसे एक संस्मरणीय घटना बता दूं। ये उन दिनों की बात है जब मैं 6ठी कक्षा की छात्रा थी। एक दिन कबड्डी का मैच खत्म होने के बाद मैं तथा मेरी कुछ सहेलियों ने चिप्स के पैकेट में से चिप्स को खा के खत्म कर दिए थे। चिप्स खाने के बाद उन पैकेट को बड़ी असावधानी के साथ वही खेल के मैदान में फेंक दिया और दोबारा खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमने देखा कि हमारे खेल शिक्षक उन खाली पैकेटों को उठा रहे हैं जो हमारे द्वारा फेंके गए थे, और उसे पास में ही रखे हुए कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उन्होंने हम लोगों से कुछ कहा तक नहीं और वापस जाने लगे। उस समय सचमुच बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया था। हम सभी को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा था कि हमारी लापरवाही की वजह से आज हमारे शिक्षक को कचरा उठाना पड़ा। बाद में हमने सर से माफी मांग ली और आश्वासन दिलाया कि हम भविष्य में दोबारा ऐसा कार्य नहीं करेंगे तथा कचरे को सही स्थान पर फेंकेंगे, जो कि आज मेरी आदत बन गई है। कभी-कभी मैं दूसरों के कचरे को भी उसके सही स्थान पर पहुंचा देती हूँ, जैसा मेरे खेल शिक्षक ने किया था। वाचन जगत से इस शीर्षक के अंतर्गत हितोपदेश की कोई एक कहानी पढ़ो और उससे संबंधित चित्र बनाओ, यह स्वाध्याय दिया गया है। आइए आज हम एक कहानी पढ़ते हैं। एक पेड़ पर हंस और कौवा साथ में रहते थे। जहाँ हंस स्वभाव से सरल और दयालु था, वहीं कौवा धूर्त और कपटी था। कौवे के इस स्वभाव के बावजूद हंस ने अपने सरल स्वभाव के कारण कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह वर्षों से उस पेड़ पर उस कौवे के साथ रहा। एक दिन एक शिकारी शिकार के लिए जंगल में आया। वह दिन भर शिकार के लिए भटकता रहा, किंतु उसे कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ। अंत में थक हार कर वह तीर कमान को एक ओर रख वह आराम करने उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ हंस और कौवा का निवास था। शिकारी थका हुआ था। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। पेड़ की छाया में शिकारी सुध-बुध खोकर सो रहा था, किंतु कुछ देर बाद पेड़ की छाया हट गई और शिकारी पर धूप पड़ने लगी। जब हंस ने शिकारी पर धूप पड़ते देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने अपने पंख पसार लिए ताकि शिकारी को छांव मिल सके। कौवे ने जब यह देखा तो अपनी धूर्तता से बाज नहीं आया। उसने शिकारी के मुख पर बीट कर दी और वहां से उड़ गया। मुख पर बीट पड़ते ही शिकारी उड़ गया। उसने ऊपर देखा तो
तो हंस को पंख पसारा हुआ पाया। उसने सोचा, अवश्य इस हंस ने मेरे मुख पर बीट की है। उसने झट से अपना तीर कमान उठाया और हंस पर निशाना साध दिया। हंस वही तड़प कर मर गया। देखो बच्चों, ये जो कहानी है, इस कहानी द्वारा हमें कुछ सीख भी मिल रही है। क्या सीख मिली है? कि बुरी संगत का फल बुरा होता है, इसलिए बुरे लोगों से दूर रहना में ही भलाई है। तो अगर आप हंस, कौवा, शिकारी ऐसे मिलकर अगर इस कथा का चित्र बनाओगे तो जरूर अपने क्लास टीचर को दिखा देना। मेरी कलम से इस शीर्षक के अंतर्गत हिचकी आने जैसी क्रियाओं की सूची बनाकर उनके कारण लिखो, यह स्वाध्याय दिया गया है। आइए, हमने सूची बना ली है, अब उसको पढ़ते हैं। क्रिया है छींक आना, उसका कारण है सांस लेते वक्त हमारे नाक से प्राणवायु के अलावा धूल मिट्टी के कण भी शरीर में चले जाते हैं, इससे हमें छींक आती है। इसके अलावा सर्दी और एलर्जी के कारण भी हमें छींक आती है। अगली क्रिया है हाथ में खुजली होना, फूड एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से हमारे हाथों में खुजली होती है। कभी कभी गंदी या खुजली वाली चीजों को हाथों से छूते हैं तो भी हाथों में खुजली होती है। आंख फड़कना, ये क्रिया देखते हैं, आंखों में मांसपेशियों से संबंधित समस्या होने पर भी आंख फड़क सकती है। नींद पूरी नहीं होती है तब भी आंख फड़कने की समस्या हो सकती है। अगली क्रिया है हिचकी आना, कभी कभी भोजन करते समय, भोजन करते वक्त भोजन के कुछ अंश श्वास नलिका में जाने से हमें हिचकियां आती है। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया में गड़बड़ी के कारण भी हिचकियां आती है। तो और भी कई ऐसी क्रियाएं हैं, अगर तुमने देखी है तो उसके कारण जान लो और इस सूची में आगे जोड़ दो। अगला स्वाध्याय है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। एक कठपुतली हाथ में एक डैश लेकर आई। विकल्प है छड़ी, फूल, नारियल। जरा पाठ को याद करो और बताओ कठपुतली हाथ में क्या लेकर आई। बिल्कुल सही बताया, नारियल लेके आई। उत्तर है एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई। आगे देखते हैं, सारी कठपुतलियां डैश खड़ी हो गई। विकल्प है ठिठक कर, भाग कर, सहम कर। तो कौन सा शब्द यहाँ आएगा, कौन सा विकल्प यहाँ आएगा? हाँ बताओ, बिल्कुल सही, सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। जिसे लोग डैश समझते हैं, विकल्प है श्रद्धा, विश्वास, अंधविश्वास। अभी बताओ तो इन तीनों शब्दों में से कौन सा विकल्प सही है? अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही बताया है, जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं, सही विकल्प है अंधविश्वास। आगे देखते हैं, सारा डैशी छींक रहा था। विकल्प है शहर, मोहल्ला, नगर। तो कौन सा शब्द सही विकल्प है? बिल्कुल सही, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। तो इस विकल्पों को ध्यान में रखना और यह वाक्य अपने कॉपी में जरूर लिखना। अध्ययन कौशल इस शीर्षक के अंतर्गत आइए क्या कहा गया है। नए शब्दों को शब्दकोश में से ढूंढकर वर्णक्रमानुसार लिखो। देखते हैं कठपुतली इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द। शहर, आवाज, घटना, कठपुतली, अंधविश्वास, बिल्ली, सूत्रधार, असर,
सलाई, कुप्रथा, विलंब, यह नए शब्द जो है इनको हमें अभी वर्ण क्रमानुसार लिखना है। तो हमारी जो वर्णमाला है अ से ज्ञ तक, तो जिस क्रम से वर्ण आते हैं उसी तरह आगे हम इन शब्दों के वर्णों को पहला अक्षर या उसके दो वर्णों के अक्षर सही है, एक समान है तो दूसरा अक्षर, इस तरह वर्ण क्रमानुसार अभी इन शब्दों को हम फिर से लिखेंगे। देखिए वर्ण क्रमानुसार लिखे हुए शब्द, असर, आवाज, अंधविश्वास, कठपुतली, कुप्रथा, घटना, बिल्ली, विलंब, सलाई, सूत्रधार और शहर। सदैव ध्यान में रखो, बिना सोचे विचारे किसी बात पर विश्वास न करे। किसी भी कार्यों को करने से पूर्व भली भांति उस पर सोच विचार करना चाहिए। अचानक ही बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि बिना सोचे समझे कोई कार्य करेंगे तो वह कष्टकारक हो सकता है। अकारण ही क्रोध करना इसका प्रमुख उदाहरण है। किसी ने किसी के विषय में कुछ बोल दिया और हम क्रोध में आ गए तो परिणाम क्या होगा? हमसे कुछ भी अनर्थ हो जाएगा जिसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अफवाहों के बहकावे में आ जाते हैं और भीड़ की मानसिकता का शिकार होकर अनर्थ कर बैठते हैं। तो जल्दबाजी में किए गए कार्य में कभी ठोकर खाकर गिर भी सकते हैं। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत विज्ञान का फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का नाश, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आज विज्ञान का युग है। विज्ञान के तमाम गैजेट हमारे दैनंदिन जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। हम विज्ञान की खोजों तथा आविष्कारों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। फिर भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी निर्मूल धारणाओं और अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। इनमें अशिक्षित और पढ़े लिखे दोनों ही प्रकार के लोग शामिल हैं। ये लोग झाड़ फूक, जादू टोना और टोटके से लेकर तरह तरह के भ्रमों पर विश्वास करते हैं। बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, ये गंदे तावीज या झाड़ फूक को नहीं पहचानते। यह समझना चाहिए कि बीमारी का इलाज केवल औषधियों से हो सकता है। अंधविश्वास के कारण हर साल बड़ी संख्या में कई मरीज जान से हाथ धो बैठते हैं। किसी भी घटना के रहस्य को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें, उस पर तर्क करें, उसके बाद ही उस पर विश्वास करें, तभी समाज में वैज्ञानिक चेतना आएगी और समाज आगे बढ़ेगा। हम विज्ञान युग में रह रहे हैं, हमें सोचना चाहिए, तर्क करना चाहिए और विज्ञान का साथ देना चाहिए। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखो, विज्ञान का फैलाओगे प्रकाश तभी तो होगा अंधविश्वास का नाश। तो बोलो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आगे किस स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं? नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग करो। पानी, पानी इस पृथ्वी को मिला वरदान है। भीड़, बड़े बड़े शहरों में लोगों की बहुत भीड़ होती है। ईमानदारी, कुत्ते हमारे घर की बड़ी ईमानदारी से रखवाली करते हैं। हाथी, हाथी एक बुद्धिमान प्राणी है। भारत, भारत एक विकसनशील देश है। थोड़ा अलग सा स्वाध्याय है, देखते हैं। नीचे दिए सर्वनामों के चित्र देखो, पहचानो और वाक्यों में प्रयोग करो। अभी सर्वनाम दिए हैं तुम, कोई, हम और आप। ये देखिए पहला चित्र, आप
खुद ही आए हो, अच्छी बात है। हम आनंद महोत्सव देखने जाएंगे। पिताजी, कोई मेहमान अपने घर आए हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? तो इस तरह आज हमने इस पाठ के सभी स्वाध्यायों को देखा है, सुना है, जानकारी ली है, उनके उनको हल भी किया है। तो ये सब अपने कॉपी में जरूर लिखना और अपने क्लास टीचर को दिखा देना। तो बच्चों, आज हमने कठपुतली इस पाठ के स्वाध्याय को पूरा किया है। अगली बार फिर एक नए पाठ के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।